नहीं आप मुझे जवाब दीजिए ना, के साथ नहीं खड़े तो होंगे तो चंदौली में भी आ जाइए, चंदौली की घटना में आ जाइए। अनुराग भदौरिया इधर उधर सोशलाइज करना छोड़िए, एबीपी न्यूज देखिए तो इस तरीके के सवाल नहीं करेंगे और इतना बोल 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 करके सच को नहीं छुपा सकते हैं। 2004 में किसकी सरकार थी? 2004 में किसकी सरकार थी? गौरी श्रृंगार में पूजा अर्चना करने से किसको रोका गया? साल में सिर्फ एक दिन पूजा का ये जो फरमान जारी किया वो किस सरकार ने जारी किया? 2004 में किसकी सरकार थी? गौरी श्रृंगार की पूजा अर्चना को एक दिन किसने किया? किसने किया बताइए ना, किसने किया? पूछ रहा हूँ ललितपुर की। 2004 में किसकी सरकार थी? 2004 में किसकी सरकार थी? श्रृंगार गौरी की पूजा करने से किसने रोका? 364 दिन किसने रोका? आपने बोल लिया, आपने बोल लिया। 2004 में किसकी सरकार थी? अनुराग भदौरिया, मैं आप ही की भाषा में अब आपसे सवाल करूंगी। 2004 में किसकी सरकार थी? 2004 में किसकी सरकार थी? श्रृंगार गौरी की पूजा करने से किसने रोका? ये फरमान किसने जारी किया कि वहाँ पर महज एक दिन पूजा होगी और साल भर पूजा बैन कर दी गई? ये किसने किया? अनुराग भदौरिया किसने किया? हरा जुब्बा पहना है, जुमा का दिन है, इतनी तो अकीदत के साथ अपनी बात रखिए। अनुराग भदौरिया पूरा देश देख रहा है, मुझे बस ये बताइए 2004 में किसकी सरकार थी? 2004 में किसकी सरकार थी? श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने से किसने रोका? किसकी सरकार थी, किसने रोका, फरमान किसने जारी किया? समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? शर्म आ गई, शर्म आ गई, शर्म आ गई, शर्म आ गई अनुराग भदौरिया, शर्म आ गई अनुराग भदौरिया। चंदौली की घटना पर रूबिका लियाकत ने यहाँ खबरें दी है और सवाल पूछे हैं। यहाँ बैठकर मुझे सर्टिफिकेट देने की कोशिश मत कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, बताइए अनुराग भदौरिया मुझे बताइए क्या मजबूरी है मेरी? मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर डिबेट किया है। यू आर अ लायर, यू आर अ लायर, और आपको लगता है की कोशिश करेंगे, मैं नहीं आऊंगी। झूठे आदमी आप एक नंबर के। 2004 शर्म आ रही है बताने में कि आपकी सरकार थी, शर्म आ रही है बताने में कि आपने हिंदुओं को पूजा करने से रोका, शर्म आ रही है आपको ये बताने के लिए कि आप बायस थे, शर्म आ रही है आपको ये बताने के लिए कि आपकी सरकार के रहते वहाँ पर हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है। हाथ रस में रूबिका लियाकत मौजूद थी, चंदौली पर डिबेट रूबिका लियाकत ने किया था। किसने क्या काम किया पूरा देश जानता है। 13 साल की बच्ची पे बोला, 13 साल की बच्ची पे बोला, बोलिए ना, ललितपुर की 13 साल की बच्ची पे बोला। यहाँ पर एबीपी न्यूज ने उस पर पूरा टाइम काम किया है, वो खबरें दिखाई है, सरकार से सवाल पूछे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?